पीडीएफ का पेज कर करने के लिए आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्स का, इस पर आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका पीडीएफ रहेगा यहाँ पे शो करता है, आपको इसको जो है पहले तो किसी फोल्डर में शिफ्ट करना है। अगर वहाँ पे दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आपको कॉपी पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। और मेरे में यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स का, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 0 दिया गया है। तो मैं यहाँ पर पहले से पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये यहाँ पर पेस्ट हो गया है, ठीक है। आपको जाना है ऑनलाइन क्रोम में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया पीडीएफ कट पेजेस, तो मेरा जो जो अच्छा लिंक लगता है ये लगता है, मैंने इस पर क्लिक किया। ये जो लिंक है मैं आपको वीडियो में दे दूँगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट पीडीएफ जो मुझे करना है कट पेजेस उसका, ठीक है। ये रहा फाइल मैनेजर, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में गया, मुझे ये वाला जो है इसको ही कट करना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेज है ये उल्टा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आएगा इसमें प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। देख रहे हो आप, ये पेज जो है उल्टा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा है, बेमतलब का है। तो मुझे इसी को कट करना है, तो मैं वापस जाता हूँ इस पेज पर, क्रोम में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मुझे जो है फर्स्ट पेज कट करना है, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट पेज नहीं चाहिए, 2 करता हूँ और 2 से 3, मतलब टोटल 3 पेज थे, अब 2 दूसरा तीसरा खाली पेज रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, अब देख दो दूसरा और तीसरा पेज ये खाली, मुझे खाली ये दोनों पेज चाहिए, पहला पेज मैंने कट कर दिया है। अब वो क्लिक करना है स्प्लिट पीडीएफ पे, ठीक है। अब इस पर क्लिक करोगे पीडीएफ हो चुका है और स्प्लिट हो चुका है, कट हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, आपको दिख जाएगा जो पहला पेज था वो कट चुका है, ठीक है। आपके सामने देखो जो पहला पेज था वो कट गया है, ये 2 ही पेज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।